महागठबंधन की जब से सरकार बनी है लगातार नियुक्तियां पत्र बांटी जा रही है। आपने पिछली बार भी देखा था कि ज्ञान भवन में नीतीश कुमार जो है नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इससे पिछली बार भी जो है कई जगह पे नियुक्ति पत्र बांटी जा चुकी है, लेकिन बीजेपी की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो है नियुक्ति पत्र जो है हमारे समय में वैकेंसी निकली थी, लेकिन अब जो है नीतीश तेजस्वी की सरकार जो है क्रेडिट लेने पे तुले हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि 16 नवंबर को जो है बिहार पुलिस और दरोगा को नियुक्ति पत्र मिलनी है, उससे पहले गांधी मैदान में जो है तैयारियां चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहां पे पंडाल की व्यवस्था की जा रही है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है, तमाम चीज़ें जो है वो जो व्यवस्था की जा रही है ताकि जो है नए जो है बिहार पुलिस मिले, दरोगा मिले, उनको जो है किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो और यहाँ पे जो है नियुक्ति पत्र लेने जब पहुँचे तो उन्हें तमाम सुविधाएँ जो है मिले। नीतीश कुमार इसी मंच से जो है कहे भी थे कि जो है जब से महागठबंधन की सरकार बनी थी उसके बाद वो 15 अगस्त को कहे थे कि जो है बिहार में लोगों को 10 लाख नहीं अब जो है 20 लाख रोजगार मिलेगा। 10 लाख वो सरकारी नौकरी की बात की थी, वहीं 10 लाख जो है रोजगारों की बात कही गई थी, यानी उद्योग धंधे लगाए जाएंगे और लोगों को जो है उसमें जो है रोजगार मिलेगा। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरह से ये तैयारियाँ की जा रही है, कहीं ना कहीं ये तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जो है नए जो बिहार में मिलने वाले दरोगा हैं या बिहार पुलिस हैं उनके लिए खासा इंतजाम किया जा रहा है। नीतीश कुमार अब इसी मंच से जो है अब नियुक्ति पत्र भी देंगे ताकि यहाँ पे जो है तैयारियाँ की जा रही है इसी को लेकर के 16 नवंबर को जो है नियुक्ति पत्र मिलनी है। तमाम जो है दरोगा हो या बिहार पुलिस हो वो जब यह नियुक्ति पत्र लेने पहुँचे तो उनको ये कहा जा गया है कि जो है आप वर्दी में ज़रूर आए ताकि आप जब पहुँचे तो लोगों को भी देखने को मिले कि जो आप जो नया नए जो बिहार पुलिस मिलने वाले हैं या दरोगा मिलने वाले हैं लोगों में एक अलग उत्साह भी दिखे। और खास करके आप दरोगा बन रहे हैं इसको लेकर के उन्होंने भी कहा है कि दरोगा बनने में जो है आपको एक अलग खुशी भी महसूस हो। तो तमाम चीज़ आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियाँ की जा रही है। उस दिन जो है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव यानी तमाम जो है बड़े बड़े मंत्री मौजूद रहेंगे ताकि जो है नियुक्ति पत्र जो मिलने हैं वो दे सकेंगे और युवाओं में जो है उत्साह रहेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।